अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? और द बर्ड मैन वंस अगेन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एक्चुअली एक बहुत ही आजकल के एक इम्पोर्टेंट मसले की तरफ है। मैं आजकल जो है रोज़ाना पिक्चर्स और मतलब वीडियोस वगैरह लोगों की देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, जो कि सेंड कर रहे हैं कि हमारा बर्ड जो है वो एक्चुअली मर गया और उसकी बेचारे की मरी की तस्वीरें लेट्स वो बहुत ज़्यादा रॉ के जो हैं पैरट्स नज़र आ रहे हैं, रॉ के चिक्स भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो देखता हूँ, अफसोस भी होता है। और कॉमन आंसर्स, अब मज़े की बात यह है कि जो लोग की तरफ से सुनने को मिलते हैं, एक होता है जिस टाइम पे सर्दी का मौसम होता है तो उसमें ये आंसर्स होते हैं, यार सर्दी से मर गए, यार तुमने पानी जो है ना रात को ठंडा रखा था ना वो उन्होंने रात को पी लिया और बस उसकी वजह से मर गए। गर्मी होगी तो कहेंगे कि यार पता है ये क्यों मरे हैं, कहेंगे असल में ऐसा हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मर गए हैं, या तुम जो है फ़ैन लगाओ, ये करो वो करो, एसी लगाओ ये करो। सर्दी में कहेंगे हीटर लगाओ, बल्ब लगाओ। मतलब एक्चुअल मसले की तरफ, मतलब आप कोई, हाँ जब ये नहीं होता तो कहेंगे कि सांप ने खा लिया है, बिल्ली बिल्ली को देख के डर गए हैं, बिल्ली ने खा लिया है जी। अब मज़े की बात यह है कि अगर आप लोग थोड़ा सा स्टडी करें पैरट्स के बारे में तो आप लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि बर्ड्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे जो मरते हैं तकरीबन 90 से 95% जो डेथ्स होती हैं वो गंदे पानी की वजह से होती हैं, गंदे पानी की वजह से। अगर पानी गंदा हो तो आपके पैरट्स, मतलब गंदे पानी से मुराद ये कि आपने अपनी तरफ से तो साफ़ पानी रखा था, ठीक है, ऐसा हुआ कि आपने, कुछ लोगों की तो आदत होती है कि जब तक पानी ख़त्म ना हो वो नहीं बदलते, उस केस में क्या होता है कि आपका बर्ड जो है मतलब उसके साथ ये, मतलब देखिए अगर आपने केज इस किस्म का रखा हुआ है कि जो पूप है उनकी, ठीक है, वो केज के फ्लोर पे गिरती जा रही है, ठीक है, फिर वो इतनी हो गई कि वो उनके पाँवों के साथ लग गई, उनका पाँव जो है पानी में लगा, पूप पानी में गई, आप यही देख रहे हैं कि नहीं यार अभी तो पानी है, जब पानी ख़त्म होगा ना फिर मैं बदलूँगा। तो क्या होता है कि अगर ख़तरनाक किस्म का बैक्टीरिया जो है पानी के साथ मिल जाए तो इंतहाई गंदी किस्म की बीमारियां जो है ना आपके पैरेट्स को लग सकती हैं। और मज़े की बात यह है कि पैरेट्स के अंदर यह है कि वो चूँकि उनका जंगल में शिकार किया जाता है तो वो हमेशा अपनी बीमारी जो है वो छुपाते हैं। तो इस तरह होता है कि एक बर्ड जो है वो आपका बीमार होगा पहले से, लेकिन आपको जो है वो समझ नहीं आ रही होगी कि ये जो है बीमार है। मज़े की बात यह है कि मतलब ये इस किस्म का जो अगर गंदा बैक्टीरिया जो है ना पानी के साथ मिल जाए और आपके पैरेट ने पिया हो तो उसके अंदर डिजीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और पैरेट जो है वो उसको छुपाई रखते हैं जब तक के, मतलब वो बिल्कुल आखिरी हद तक, आपको उस टाइम पे मतलब डिजीज़ का पता लगेगा जिस टाइम पे आप उसको बचा नहीं सकेंगे। तो आपको डिजीज़ का लेट सपोज उस टाइम पे पता लगेगा कि पैरेट्स जो है वो मतलब केज के नीचे बैठे हैं, फूल फूल के सांस ले रहे हैं, ठीक है, या बिल्कुल सुन हो के बैठे हैं, ना हिलते हैं ना कुछ करते हैं, उस टाइम पे आपको यार मेरा पैरेट बीमार है अब मैं क्या करूँ, यार उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता, आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते, आप बेहतरीन से बेहतरीन वेट के पास ले जाएं उस टाइम पे, यकीन करें कोई करिश्मा हो जाए ना, मुआवजा हो जाए, अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली है, लेकिन आप समझे कि 99.99% जो है ना आपका पैरेट अब जो है वो ज़िंदा नहीं बच सकता। आपको बेसिकली शुरू में रियलाइज़ करना पड़ता है कि यार आपका पैरेट ठीक है कि नहीं है ठीक। देखें आप लोग क्या करें कि जो आपके जितने भी पैरेट्स हैं आप सुबह के टाइम आएँ और सारों को देखें एक नज़र कि यार क्या मेरे पैरेट्स जो हैं वो ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, जो उनका नॉर्मल बिहेवियर है उसको ऑब्ज़र्व करें। अगर वो नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंटली जो है वो बिहेव कर रहे हैं तो उसका मतलब कोई ना कोई मसला है, और आप उस टाइम पर रियलाइज़ कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, वो टाइम होता है बचाने का। अगर एक दफ़ा पानी जब सर से गुजर जाए ना उस टाइम पर आप नहीं बचा सकते हैं। तो देखें पानी कितना साफ़ होना चाहिए, देखें अगर पहली बात तो ये कि आप कोशिश करें कि पानी जो है वो आप दिन में 2 बार बदलें, ठीक है, और अगर दिन में 2 बार नहीं बदल सकते तो 1 बार ज़रूर बदलें। बदल सेलने से मुराद ये नहीं है कि पानी पुराना पानी आपने उठा के फेंका और नया पानी डाल दिया, नहीं, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पानी के बाउल को उठाएं, चाहे जितने भी पैरेट्स हैं, सर्फ से मतलब ये जो लेमन मैक्स वगैरह है उससे अच्छी तरह से धोएं, फिर अच्छी तरह से पानी से साफ़ करें और रात को उनको उल्टा करके रख दें ताकि वो सूख जाएं बिल्कुल, ताकि किसी किस्म का भी बैक्टीरिया वगैरह है ना तो आप उसको ख़त्म कर सकें। अगर आप घर में हैं तो आप क्या करें, उसको विनेगर से धोएं, पानी और विनेगर से धोएं और धूप दें उसको, जितने भी जरासीम है ना सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप यकीन करें
आपकी, देखें इस चीज़ पे पैरट्स की सक्सेस डिपेंड नहीं करती है कि आपके पास नंबर ऑफ़ पैरट्स कितने हैं, आपकी इस चीज़ पे सक्सेस डिपेंड करती है कि जितने पैरट्स आपके पास हैं आप उनका ख्याल कितना रखते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग कहते हैं यार किसके पास ज़्यादा है। हम देखते हैं एक बंदे ने मल्टीपल किस्म की स्पीशीज़ रखी होती हैं घर में, हम भी जाके दुकान लगा लेते हैं अपने घर के अंदर, उस दुकान के बाद कुछ दिन बाद हमारा दिल भर जाता है, फिर कोई मामे का बेटा, चाचे का बेटा, घर की खाला मासी जो है वो पानी भी बदल रही है और सफाइयाँ भी कर रही है और खाने भी डाल रही है उनके लिए। माँ बाप को कह दें, भाई को कह दें, बहन को कह दें, घर में बीवी हो से यार खाना बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, अपने अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है तो वो किस चीज़ में कि यार बच्चे आ रहे हैं, बस इतनी कीमत लगाई उसकी, अभी अंडों पे बैठे नहीं है तो आप लोगों ने अंडे दिए नहीं है, पैर लेके आते हैं बच्चों की कीमतें लगाना शुरू कर देते हैं। खफा ना होना, बट दिस इज़ रियलिटी। हमारे यहाँ पे जो है जिस हिसाब से ब्रीडिंग हो रही है, हम लोग बस पैसे कमाने के पीछे ज़्यादा पड़े हैं, हमें स्पीशीज से कोई शौक नहीं है। देखें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जितना मेरा साइज़ है एवियरी का ना, उसके अंदर आप मेरे नंबर ऑफ़ बर्ड्स देखें तो आप कहेंगे यार इतने थोड़े से बर्ड्स इतनी बड़ी एवियरी के अंदर। यार आप ये देखें वो कितने सुकून से बैठे हैं, कितना खुश हैं, वो कितना इंजॉय करते हैं घर के अंदर, ठीक है। ये असल चीज़ ये होती है, इस चीज़ में कमाल नहीं है कि आपने जो है दुकान लगाई हुई है घर के अंदर, कमाल इस चीज़ के अंदर है कि आप उनका पिप कमाल इस चीज़ के अंदर है कि आप उनका ख्याल कैसे रखें, आप उन कितनी फैसिलिटीज़ देखें। आप देखें मैंने टॉयज़ लगाए हुए हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रिंग्स हैं, मल्टीपल किस्म के मैंने टॉयज़ लगाए हुए हैं, ठीक है, हर जगह पे ये पाइप सारे मैंने खुद बनाता हूँ, इस सब चीज़ों का मैंने ऐसी जगह दिया कि फ़्रेश हवा लगे इनको, ठीक है, सारा दिन मैं चाहता हूँ खुश रहें। ये देखें पीछे चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, ठीक है, चिड़ियाँ जो हैं आप देखें नेचुरल फॉरेजिंग बिहेवियर देखें बर्ड्स के अंदर आप, उस टाइम से मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर रही हैं, ये अगर आप देखें इनको ये पत्तों से खेल रहे हैं। इस तरह मेरे भी अब प्लान है कि मैं इर्द गिर्द जो है प्लांट्स अंदर एवियरी के लगाऊंगा, कुछ मैंने रखे हुए हैं इस साइड के ऊपर प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं, ये देखें बिगनविलिया को सारा खा गए हैं, ये इंजॉय करते हैं, मैंने उसी के सीड्स नीचे फेंके हैं, देखें फ्रेश सीड की निशानी होती है कि उससे प्लांट्स निकल आते हैं, प्लांट्स भी निकले हुए हैं, इनको भी ये खाएँ तो बहुत हेल्दी डाइट है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इनके लिए। तो मैं देखें पूरी वीडियो का मकसद क्या था मेरा कि अगर आपके बर्ड्स मर रहे हैं तो यकीन करें सर्दी और गर्मी की वजह से नहीं मर रहे हैं। मैं आपको सर्दी गर्मी के बारे में, देखें मैंने पूरी सर्दी क्या किया हुआ था, ये केज मेरे इसी तरह थे, मैं ये खाली कपड़ा जो है ना, ये जो कपड़ा आप देख सकते हैं ये कपड़ा मैं आगे करता हूँ और केज के ऊपर एक कपड़ा डाल लेता था, दैट्स इट। अगर आपकी डाइट ठीक है तो ग्रेजुअली अगर आप बर्ड्स को अच्छे मतलब टेम्परेचर की तरफ एक्सपोज करें तो आपके बर्ड्स को यकीन करें कोई नुकसान नहीं पहुँचता। कॉकटील्स जो हैं, ये बर्ड्स जितने भी हैं, मोस्टली बर्ड्स, कॉकटील्स नहीं लेकिन मोस्टली जितने भी पैरट्स हैं जैसे कॉनियर्स हो गए, मकाज वगैरह जितने भी हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन्स के हैं। देखें ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत मतलब गर्मी भी होती है और वहाँ पर सर्दी भी होती है, बारिशें भी होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो बीमारियाँ फैलाने वाली चीज़ है ना वो है पानी। पानी के साथ मैं बार बार, देखें मैं पूरी वीडियो में यही चीज़ कह रहा हूँ कि पानी के साथ जैसे ही आपका खाना मिलता है, देखिए पैरट्स की क्या आ जाता है, फूड उठाया, लेट सपोज एग फूड डाला, एग फूड उठा के पानी में फेंक दिया, वो तो मज़े करते हैं, ठीक है, उनको एंजॉय करते हैं। अब आपने अगर रोज़ाना की सफाई नहीं की और आपने ख्याल नहीं रखा, देखें इस तरह रखें ना खाने को और पानी को कि वो उठा के खाना पानी में फेंक ही ना सके, उनको मज़ा आता है चीज़ों को डिप करके खाने का, ख़राब करने का, गंद डालने का, बच्चों की तरह है, कहा जाता है पैरेट का जो ब्रेन है वो 2 साल के बच्चे की तरह है, ठीक है। अब देखें ये क्या कर रहे हैं नीचे, ये किसे देख रहा है, ये नीचे बिल्ली को देख रहा है, ये देखें कहाँ है बिल्ली, बिल्ली वो पीछे फिर रही है अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये उसको ढूंढ रहा है, ये पिप है ये। तो देखें पानी का बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, मतलब इस तरह होना चाहिए कि यार पानी डालने जिस टाइम पे आप डालते हैं ना एटलीस्ट उस टाइम पे आप खुद पी सकें। आप पानी का ख्याल रखें, साफ़ खाना रोज़ाना दें, खाना डालने का देखें बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि आपने एक दफ़ा डाल दिया जब तक ख़त्म ना हो, नहीं, इतना खाना डालने के बस वो एक दिन के लिए काफ़ी हो, बस दैट्स इट, एक दिन से ज़्यादा के लिए तो खाना आपने सिरे से डालना ही नहीं है। कहीं जा रहे हैं तो चलें आपने ज़्यादा डाल दिया, आप खाने का बाउल भी उठाएं सारा साफ़ करें, ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर से आपको लग रहा होता है खाना है वो बीच बेसिकली बुरा पड़ा होता है, ये चीज़ तो ख़ास तौर पे नए लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी इस हॉबी के अंदर आए हैं कि वो बुरा बुरा बन जाता है, वो सिर्फ सीड्स खाते हैं, शेल्स नहीं खाते हैं उनके, सारा फेंक के फ्रेश खाना डालें रोज़ाना का रोज़ाना। मैं अब एंड में अगर आई होप सो कि जो लोग अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं ये वाली, मैं उनके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखें मैं भी ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, ठीक है, मैं भी बिज़ी होता हूँ, आप लोग किस तरह मैनेज कर सकते हैं, आप ऑफिस से रात को आएँ, ठीक है, बेशक साथ मैं खुद तकरीबन घर 8 बजे मैं पहुँचता हूँ, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 7:30 7 8 बजे के नज़दीक मैं क्या करता हूँ घर आता हूँ, ठीक है। मैंने अक्सर इतना मेरा मतलब वो होता है ना जल्दी होता है, बर्ड्स को देखूँ कि मैं जाता हूँ अपने ऑफिस के कपड़ों के अंदर ही, मैं क्या करता हूँ
पानी निकाला, सबसे पहले सारे पानी के बाउल निकाले, ठीक है, उसी टाइम पे सारे साफ़ किए, ठीक है, पानी से धो के, गर्म पानी से मैं धोता हूँ, साफ़ करके उल्टे रख दिए, ठीक है, खुद ही खुश्क होते हैं, हो चुके होते हैं सुबह तक। फिर क्या करता हूँ, फूड के सब के बाउल उठाता हूँ, ठीक है, और फूड के बाउल में से खाना सारा फेंक के उसके बाद क्या करता हूँ, फूड के बाउल केजेस के अंदर डाल के उनके लाइट बंद कर देता हूँ ताकि वो खा ना सकें। अब सुबह के टाइम अगर मैंने जल्दी निकलना है तो मैंने सिर्फ क्या करना है, जल्दी से एक बड़ी बोतल मैंने रखी होती है, ठीक है, उसमें पानी डाल लेता हूँ मैं रात को, सुबह आके जल्दी जल्दी टक टक मैंने सब उनके अंदर जो है फ़ौरन से पानी डाला, बाउल्स केजेस के अंदर डाले, और हार्डली मेरे ख्याल से 1 मिनट से ज़्यादा मेरा नहीं लगता, और मैं फिर आराम से दफ्तर भी चला जाता हूँ अपना। तो ये इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको बर्ड्स की जो बीमारियाँ और जो बर्ड्स आपके मर रहे हैं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बर्ड जो है ना, बस पानी का ख्याल रखें, पानी का ख्याल रखें, पानी का ख्याल रखें, साफ़ पानी दें, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। केज एवियरी आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, आपके बर्ड्स बीमार नहीं होंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस बात की। मैंने जितना भी पढ़ा है ना पैरट्स के बारे में, बीमारियाँ गंदे पानी से फैलती हैं, बीमारी पानी से फैलती है, फंगस बन जाता है इन चीज़ों से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाना शुरू किए हैं सिर्फ आप लोगों के खातिर, मैं बनाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि यार बर्ड कीपिंग असल में नंबर के बारे में नहीं, इट्स नॉट अबाउट नंबर, इट्स हाउ यू कीप देम। रिमेंबर दिस, गुड बाय।